सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल नोमैड नक्श। आज है डे 13। तो हम आज स्टे किए थे गुरुद्वारा में, अब निकल पड़े हैं लेह लद्दाख की जर्नी की ओर। तो अभी मैं मॉल रोड में था, यहाँ पे गुरुद्वारा है वहीं पे मैं रुका हुआ था। और अभी यहाँ से बाई पैदल जाएंगे नीचे, उसके बाद ट्राई करेंगे हिच चेक करने का। तो मिलते हैं नीचे, मॉर्निंग के टाइम कितना मॉल रोड सन्नाटा रहता है। और यही चीज़ शाम को देखना, बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। मास्क लगा लूँ वरना फाइन हो जाएगा। सो अभी हम लोग मॉल रोड के साइड है, हिच चेक स्टार्ट करेंगे एंड देन आफ्टर देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। लास्ट स्टॉपेज मेरा केलोंग है, बट केलोंग आज बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, इसीलिए मैं शिशु एक प्लेस है उसके पहले, तो वो सोच रहा हूँ वहाँ तक भी पहुँच जाओ तो बहुत रहेगा, फिर कल निकलेंगे। तो देखते हैं, व्यू काफ़ी प्यारा हो रहा है यार, ये देखो है। अब मिलते हैं रोड पे, देखते हैं आज कैसा दिन रहता है, लिफ्ट मिलता है या नहीं मिलता है। सो स्टे कनेक्टेड। सो हेलो, वी आर हेयर एट द रोड। सो आज हम हिट करेंगे रोड, आज देखते हैं कैसा दिन रहता है। नहीं पता लग रहा है अभी क्या सीन है, अभी तो ऑलमोस्ट ऊपर से आए हैं 2 किलोमीटर्स। कल का दिन थोड़ा हेक्टिक था, गुरुद्वारे में था तो कल वहीं पे लंगर वंगर किया रात को, उसके बाद आज डायरेक्ट रोड हिट करूँगा शिशु, नहीं तो डायरेक्ट केलोंग। केलोंग अगर पहुँच गया तो सही है, काफ़ी ईजी हो जाएगा। एंड इफ शिशु पहुँचता हूँ तो वहाँ कैंप लगा लेंगे, तो जैसा होता है देखते हैं अभी क्या है सीन है। अभी तो बस चलना है यार। भाई ऐसा होता है ना रोड पे, जैसे बाईपास रोड अगर मिल जाता है तो इजीली लिफ्ट मिलने के चांसेस रहते हैं, वरना इम्पॉसिबल। बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ये चीज़ हो जाता है। और वो देखो, आपको अगर दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ, स्नो गिरा है कल रात को मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। दिख रहा है वहाँ पे क्लाउड्स है, जहाँ वहाँ स्नो फॉल हुआ है। सो मिलते हैं अब किसी अननोन पर्सन के साथ। ये साइकिलिस्ट अभी मुझे मिले तो बोल रहे साइकिल में बैठोगे, तो मैंने बोला मैं चला लूँगा, बैठा लो। ये लोग भी लगता काफ़ी दूर से आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। भाई हर किसी का अपना अपना अलग एक्साइटमेंट होता है लेह लद्दाख या कोई भी ट्रिप करने का। कोई साइकिल पे जाता है, कोई पैदल भी जाता है, बहुत लोग देखे हैं, कोई स्कूटर, कोई मेरा तरह हिचहाइक करके। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है यार, ट्रैवल जर्नी का बहुत सारा एक्सपीरियंस रहता है, हर किसी के पास अपना अपना स्टोरी रहता है। अभी लिफ्ट मिलने का चांसेस नहीं है क्योंकि अभी सुबह के बज रहे हैं 8। भैया कहाँ से आ रहे हो आप लोग? वेस्ट बंगाल। ओ वाह, देखा, तो यही मैं बोल रहा था, हर किसी का अपना अपना अलग अलग जर्नी रहता है पहुँचने का। मेरा अलग जर्नी है हिचहाइक करके जाने का, तो हर जर्नी का अलग अलग कुछ स्टोरीज होते हैं, बस यही है। अभी सुबह सुबह यार लिफ्ट मिला मतलब 90% नहीं मिल सकता है, चांसेस है 10% चांसेस है मिलने के, देखते हैं क्या होता है। हाय हाय, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम भोपाल। भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश। तो अभी कहाँ जा रहे हो? वी आर हेडिंग टू लेह। लेह, लेकिन हमारा पहला, मैं भी ले जा रहा हूँ बट हिचहाइक करके। अच्छा, या ओके ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम बिहार, पटना। बिहार, हाँ, ओके, नाइस टू मीट यू। सेम हियर ब्रो। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज योगी नक्श। ओके, चलो सी यू। या कहाँ जा रहे हो आप? फाइनली किसी ने लिफ्ट दिया। कहाँ जा रहे हो आप? नेहरू पुल तक जा रहे हैं। छोड़ दोगे? थैंक यू। सो आज की फर्स्ट लिफ्ट मिल चुकी है। भाई आपका नाम? अंकित। अंकित, अंकित भाई ने मेरे को फर्स्ट लिफ्ट दिया। हम चले लेह की तरफ। अच्छा,
थे अंकित भैया, जिन्होंने मुझे काफ़ी 5 to 6 किलोमीटर तक की लिफ्ट दी है। एक स्लोगन लिखा था, डोंट ज्वाइन द रैली, इन्जॉय द वैली। बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन है। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा। पता नहीं आगे तो बहुत ठंड लगने वाली है। वैसे मेरे पास है सारे चीज़, कैंपिंग टेंट, स्लीपिंग बैग, ग्लव्स, स्नो ग्लव्स तो नहीं है, ग्लव्स है, देखते हैं। बहुत मुश्किल तो होने वाला है। लेह लद्दाख का सपना रहता है यार हर किसी का, और वो सपना मेरा भी था और अब धीरे धीरे पूरा होगा। सो यस, आई एम ऑन माई वे टू लेह एंड लद्दाख। सो जस्ट इन्जॉय द जर्नी एंड प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताओ कि मेरे में कुछ फॉल्ट है, कुछ वीडियोज़ में या फिर कुछ भी बता सकते हो, सजेशंस आर अलाउड यार। सो प्लीज़ बताया करो, तभी तो सुधार कर पाऊँगा अपने वीडियोज़ में। चलो फिर मिलते हैं। लिफ्ट मिली है। देखो भैया तो रुके हैं, पता नहीं कहाँ जाएंगे। हाँ भैया, कहाँ तक जाओगे? अटल टनल छोड़ दोगे? थैंक यू। सो दिस इज माय सेकंड लिफ्ट विद भैया एंड दिस भी। आपका नाम? नीनू। आपका भैया? महेश। थैंक यू फॉर गिविंग मी लिफ्ट। तो ये भैया जा रहे अभी अटल टनल, तो अटल टनल तक मैं भी जा रहा हूँ, वहीं तक भैया ड्रॉप करेंगे मुझे। मैं बिहार पटना से हूँ। मैं भाई हिचाई का आया हूँ यहाँ तक। फाइनली वी आर एट अटल टनल। तो हम यूट्यूब में देखा करते थे, आज खुद से एक्सप्लोर करने। सो अभी हम मेरे को जाना है अटल टनल के उस साइड, और भैया ने मेरे को यहाँ तक कर लिफ्ट किया। भैया थैंक यू, बाय बाय दी। अब हम चलते हैं अटल टनल की ओर। ओ भाई, सपना पूरा होते हुए दिख रहा है। स्लोली एंड स्टडी वी आर मूविंग टुवर्ड्स लेह लद्दाख। भैया आगे जाओगे? यहाँ पे कार्स की लाइन लगी है, चेकिंग होती है यहाँ पे कार की। भैया मेरे को क्रॉस करवा रहे अटल टनल। भैया आपका नाम? राजू शर्मा अंकल। सो मैं ये अटल टनल क्रॉस करते हुए कभी यूट्यूब में देखा करता था, इसे आज खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है ये। ऑयल वाले नहीं जाने देते और खाली ट्रक इधर से आता है। हाँ।
खाली ट्रक इधर से आना है। आर्मी का तो जाएगा स्पेशल, आर्मी के हाँ उनके साथ वो सिक्योरिटी होती है साथ में। अच्छा, वो जाएंगे उनके साथ एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड। शिशु पहुंच चुके हैं। ये शिशु का प्यारा सा गांव, छोटा सा, बहुत प्यारा प्यारा जगह है यार, यहाँ बहुत ज़्यादा प्यारा प्यारा। तो अभी हम लोग शिशु में हैं। अंकल जी अभी क्या है अंकल जी का कि साइकिलिस्ट जो होते हैं ना, तो उनका जैसे अंकल जी वो एडवेंचर प्लान वगैरह करते हैं, तो अभी अंकल जी यहाँ पे रुके हुए हैं। तो वो बोल रहे थे कि केलोंग तक छोड़ सकता हूँ आपको, बट क्या है उनसे पूछना पड़ेगा, तो परमिशन भी ज़रूरी है। शिशु तक तो ठीक है, मैं तुमको मिल गया ये लिफ्ट, अब पूछने गए अंकल जी उन लोग से, देखते हैं अगर डायरेक्ट केलोंग तक लिफ्ट मिल गया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। केलोंग तक अभी मैं पहुँच जाऊँगा, अभी टाइम हो रहे हैं आपके 10 बज रहे हैं, तो 10 बजे तक के अगर 11-12 बजे तक भी केलोंग टच करता हूँ ना, तो आगे जा सकता हूँ मैं, ये देखते हैं क्या होता है। ले जा रहे हैं।